ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਰਾਂਸ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਗੇ ਤੋ ਹਮ ਆਏ ਜੀ ਅੱਜ ਇਰਾਨ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸਫਾਨ ਇਸਫਾਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਇਸਫਾਨ ਨਿਸਬ ਜਹਾਨ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਫ ਆਫ ਦ ਵਟ ਯੂ ਕਾਲ ਇਟ ਜੰਨਤ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹੈ ਤੋ ਇਤਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ ਯੇ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਤੋ ਅਭੀ ਹਮ ਯਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ एरिया में आए हैं जहाँ पर मोस्ट सारे घूमने के लिए टूरिस्ट एंड एवरीथिंग आते हैं सो यहाँ पर मैं अभी आपको आगे आगे दिखाता हूँ जैसे जैसे मेरे गाइड साहब मेरे को बताए जाएंगे मैं आपको भी बता जाऊँगा बट बहुत अच्छा एरिया पीछे हमने गाड़ी पार्क करी है एंड यहाँ से चलते हुए पूरा एक उन्होंने एरिया बनाया हुआ है यहाँ गाड़ियाँ गुड़ियाँ अलाउड नहीं है एंड हेयर वी आर गोइंग राइट साइड में इस टावर के एक रिलीजियस मॉस्क है फ्रंट में इकॉनमी है लेफ्ट साइड में इन्होंने बाजार की एंट्रेंस बनाई हुई है सो सारी चीज़ें मिक्स करके एक ऐसा सा स्क्वायर बनाया है जिसके जो कि दिखाता है कि दे आर ओपन टू ईच एंड एवरीथिंग सो अब देखते हैं अंदर जाके क्या क्या है एंड आपको भी दिखाते हैं सो ये है जी जो आप मेरे सामने ये देख रहे हैं ये यहाँ के जो किंग थे ये उनका घर था एंड और इसके एकदम सामने मेरे को देख जो आप देख रहे हैं वो है एक मॉस्क दिस मॉस्क इज ओनली फॉर द पीपल जो रेगुलर यहाँ पे पीपल वगैरह लोग वगैरह आते थे एंड उनके लिए था ये और यहाँ पर एकदम सामने देखेंगे ना तो ये जो मॉस्क था ये सिर्फ किंग ने अपने लिए और अपने फैमिली की लेडीज़ के लिए बनाया था तो यहाँ से इसके घर से नीचे से एक टनल सीधा निकलती थी इस मॉस्क में जाने के लिए और इस मॉस्क की एक सिंबलाइजेशन और भी है विच इज़ द कलर दैट हैज़ चूजन फ्रॉम लेबनान जहाँ से शिया का राज यहाँ पर मतलब शुरू हुआ था जो कि काफ़ी लोग जिसके अगेंस्ट भी थे तो बट एनी और ये मेरे को इन्फॉर्मेशन मेरे गाइड साहब ने दिया सो दिस इज़ व्हाट दे से दिस इज़ द गवर्नमेंट एंड दिस इज़ रिलीजन और यहाँ पर सारी आप देखेंगे इधर सब मार्केट बनी हुई है तो ये इस चीज को सिंबलाइज करती है कि एक ही स्क्वायर के अंदर सारी की सारी चीजें हुए और इसके अलावा एक और चीज यहाँ पर जो किंग थे वो बहुत ही मतलब जो खेल कूद के साथ देते थे और इनकी फेवरेट स्पोर्ट थी पोलो जो कि घोड़े के ऊपर बैठ के दे प्ले लाइक अ वी कैन कॉल लाइक अ हॉकी विद द यू नो हॉर्सेस जो पोलो स्पोर्ट थी तो यहाँ पर वो खेली जाती थी अभी उसके गोल्स यहाँ पर है एक इस साइड पे जिस साइड पे मैं चल रहा हूँ और एक मेरी बैक साइड पे तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो पोल अभी भी है यहाँ पर तो दिस इज़ वन ऑफ द गोल जो बता रहे हैं कि पोलो के लिए था तो यहाँ से घुमानी होती थी बॉल एंड सिमिलरली जस्ट ऑन द ऑपोजिट साइड दूर वहाँ पर एक दूसरा गोल है और आप जो ये किंग का पैलेस देख रहे हैं ये यहाँ पर बैठ के किंग सारी चीज़ें देखते थे मुझे अभी एक और चीज़ बताई है इन्होंने कि हर रॉयल फैमिली के अपनी एक टीम होती थी वो खेला करते थे रिले रेस यू नो जहाँ पर एक जगह से बंदा भागता और आगे जाके दूसरे को पकड़ाता एंड देन द सेकंड स्टार्ट्स रनिंग तो वो भी यहाँ पर बहुत कहते हैं खेली जाती थी एंड अभी मैं बताता हूँ आपको व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिले सो व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस गेम शातिर मींस द रनर यहाँ पर जी इन्होंने ये भी रखे हुए हैं कार्ड्स हॉर्स कार्ड्स जो यहाँ से वहाँ जाने के लिए घूमने के लिए यहाँ देखो यार दिस इज सो ब्यूटीफुल ये जो सेंटर में आप देख रहे हो ना ये सारी 3D डेकोरेशन है एंड दिस लुक्स ब्यूटीफुल वाओ ये मैंने आपको तबरीज वाले मॉस्क में भी दिखाया था ये जो सिस्टम है ना इनका जो बनाने का ये छोटे छोटे पीसेस को तोड़ के मतलब उनको उस हिसाब से जोड़ के बनाया जाता है इसमें बहुत टाइम लगना था जब इसमें बहुत टाइम लग रहा था तो राजा ने बोला कि भई ये तो टाइम पे पूरा नहीं हो पाएगा सो उसी टाइम इन्होंने कुछ चेंजेस करे तो इस दीवार के सामने वाली अगर आप दीवार देखेंगे ना तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टाइल्स हैं 20x20 सेंटीमीटर की तो इसके कारण फिर इनका जो काम था वो बहुत जल्दी पूरा होना शुरू हो गया तो अब ये देखें ये पुराने स्टाइल है ये नया स्टाइल है डिफरेंस पता चल जाता है
मतलब क्या कारीगरी करी गई है इसके ऊपर। सो ये जो हम अंदर साइड पे बैठे हैं अभी, जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, दिस एरिया इज़ बीन यूज्ड फॉर द प्रेयर्स। ये एक यहाँ पर भी बना हुआ है, एक हमारे वहाँ पर उस साइड पे बना हुआ है। ये साइड पे अलग से इसलिए बनाया गया था सो दैट यहाँ से जो वॉकर्स हैं वो निकलें और प्रेयर्स करने वालों को परेशानी ना हो। एंड यहाँ पर चार डोम्स भी हैं, एक दिस इज़ द मेन डोम, दिस इज़ ये साइड पे है, दिस इज़ फ्रॉम द एंट्रेंस, दिस वन इज़ द एंट्रेंस वन, एंड एक हमारे पीछे भी है। तो ये चार बरांडा भी कहते थे इसको, जो बरांडा हमारे हिंदी लैंग्वेज में भी बोला जाता है बरांडा, जिसको हम कहते हैं जहाँ पे आउटसाइड ऑफ द एरिया होता है। एंड यहाँ पर एक इस साइड पे कॉर्नर में और एक इस साइड पे कॉर्नर में यहाँ पर दो कोर्ट यार्ड्स बनाए गए हैं, डिपेंडिंग ऑन द सीज़न जो होते हैं, गर्मी का गर्मी के लिए, सर्दी का सर्दी के लिए, उस हिसाब से बनाया गया। एंड यार यहाँ पर आके एक अलग सी ना शांति मिल रही है, बहुत ही बढ़िया फील्स आ रहा है। क्या मतलब जो आर्किटेक्चर है ना, वो अगर आप समझ सको ना यार, ये क्या चीज़ है और किस टाइम पे बनाई गई थी। आज ये सब चीज़ें बनाने की इतनी आसान हो गई हैं, बट उस टाइम पे ये चीज़ बनाई गई है जब मतलब आप सोच भी नहीं सकते। इट्स ब्यूटिफुल। ये हम यहाँ की मार्केट में आ गए हैं अभी मॉस से निकल के, एंड बहुत ब्यूटीफुल यार इधर जो हैंड क्राफ्टेड आइटम्स ना जो हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल मिलती हैं। मेरे को इसलिए पता है क्योंकि हमारे ऑलरेडी, क्योंकि अब मैंने बताया आपको, हम यहाँ पर पहले भी, मेरे पेरेंट्स हम आए हैं, मेरा ब्रदर ऑलरेडी आता रहता है, तो हमारे इंडिया वाले घर में तो हैं ये चीज़ें। अब आई वॉज थिंकिंग टू बाय समथिंग फॉर माई कैनेडियन हाउस, पर अभी ट्रैवल बहुत है, समझ नहीं आ रहा लूँ या ना लूँ। एनी हाउ देखते हैं, अभी कुछ लेते हैं, बट चीज़ें इतनी प्यारी हैं कि आई वॉन्ट टू बाई ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पर हम आए हैं जी चेलस्तून म्यूजियम में। चेलस्तून का मीनिंग होता है 40, सो इट्स रिप्रजेंट द 40 कलर्स। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि 40 ही 40 हैं, यहाँ पर 20 थे, बट कहते हैं, माना जाता है जो यहाँ पर पानी था, 20 कलर की रिफ्लेक्शंस जो पानी में आती थी मिला के उसको 40 कहा जाता था, तभी इसका नाम चेलस्तून रखा गया था। तो जो अगर आप ऊपर देखेंगे ना, जो ऊपर डिज़ाइनिंग हुई पड़ी है, वो ट्रीज़ के ब्रांचेस के कलर हैं, एंड उसके बीच में उन्होंने हैचेस बना के रखे हैं सो दैट वहाँ पर मॉइस्चर ना आ जाए, कुछ ना आ जाए। तो और बट कि काफ़ी टाइम पहले इधर काफ़ी भयानक आग लगी थी, और ये तब से उसको थोड़ा 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 रिस्टोर करने की कोशिश कर रही हैं। एंड द थिंग इज़, यहाँ पर अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ विच जो हमारे एक इंडियन कल्चर में बहुत ही पुरानी एक प्रथा चलती थी, जिसको हम सती कहते हैं। सती जिसमें ये होता था कि कोई भी अगर आदमी मर जाता था, उसकी वाइफ को भी जिंदा जला देते थे, उसकी प्रथा भी यहाँ पर हुई पड़ी है। ये देखिए टॉप पे कितनी बढ़िया है, इट्स ब्यूटीफुल। ये जी पेंटिंग्स हैं जो काफ़ी डैमेज हो चुकी हैं, पर इन्होंने उसको बनाने की कोशिश करी है। पर आप ये जो छोटा सा स्क्वायर देख रहे हैं, ये दिस इज़ द ओरिजिनल पार्ट ऑफ द पेंटिंग। यहाँ से करिए जी हमने कुछ बढ़िया सी शॉपिंग। लुक एट दिस, थोड़ा सा शोर है, आई एम नॉट श्योर आपको कितनी आवाज आ रही है, नहीं आ रही। ये रास्ते में क्या लटक रहा भाई, निकल, शुड आई गो? एक तो ट्रैफिक इतना ज्यादा, कुछ कहने की हद नहीं, ऊपर से इस शहर की सुंदरता इतनी बढ़िया, समझ ही नहीं आ रहा रिकॉर्ड करूं तो क्या करूं। बट बहुत मजेदार जगह से घूम फिर के हमने लंच करा, लंच के बाद थोड़ा सा हुआ पेट में दर्द, बट फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी, आपको दिखा दिया। अभी एक आधी जगह देख के फिर हमने अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है, वहां पर पहुंच जाएंगे। उस जगह का नाम है यजद, एंड नाइट वहां स्टे करके कल का दिन वहां पे घूम के फिर आगे प्लान बनेगा।
जैसे जैसे जो जो होता है आपको दिखाते हैं, आप प्लीज बने रहे हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज। ऐसे ही आप अगर मोटिवेशन देते रहेंगे ना तो हम आगे 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 अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहेंगे। तो जी रात का टाइम हो गया 9, हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन यज्द की तरफ बढ़ रहे थे। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का रास्ता रह गया, 10:30 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, मे बी 11 पहुंचे, बीच में शायद फूड ब्रेक लें। पर अभी बिल्लो रानी को फूड चाहिए था, ये हमारा खून नहीं पी रही, अभी नहीं पी रही, ईरान में नहीं पी रही, इसने हमारा यूरोप में बहुत खून पिया, ईरान में ज़रूरत नहीं पड़ रही। एंड हमारे भाई साहब हेल्प कर रहे हैं हमारे फ्यूल भरने के लिए, और बहुत बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रहा है, एंड आई एम एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट। बहुत ही मज़ेदार जा रहा है ट्रिप जो है ना, लाइक जितना मतलब आई एम फीलिंग इन लव ऑल ओवर अगेन विद माय कार एंड विद ऑल द प्लेसेस। बहुत बढ़िया मज़ेदार। सो लिमिट है जी यहाँ पे $30 30 लीटर्स की पहले, बट ये हमें फिर से दे देंगे। तो ये बने हैं जी हमारे 90,000 यहाँ के। सो ये जो 90,000 बने, ये तकरीबन बनते हैं हमारे $1.5। तो यहाँ जितना मर्जी खून पी ले, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इसके बाद पाकिस्तान एंड उसके बाद इंडिया, वहाँ पर भी फ्यूल उतना ही महंगा है जितना आई गेस कनाडा में है, दैट्स ओके, चलेगा वहाँ पे। सो 30 लीटर पहले आया था और ऑलमोस्ट 30 लीटर इन्होंने फिर से भर दिया, और हमारा टोटल $3 का बिल आया, $3 बेसिकली बिल आया, एंड दैट्स इट। अब बस यहाँ से निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहुँच गए हैं जी, टाइम इज़ 10:25, यज्द में पहुँच गए अपने होटल में। बहुत ही ब्यूटीफुल एंट्रेंस है यार इनकी, तो पीछे पार्किंग बड़ी अच्छी हो गई है, एंड ये रास्ता जा रहा है अंदर होटल के। सुनने में आया इसका फूड भी बहुत अच्छा है, और एक दो खूबियां भी है इस होटल की। अब जाएंगे कल सुबह ही जो भी खूबी देखेंगे, अभी तो थके हुए हैं, अभी सोएंगे जाके, खाना भी खाना है, डिनर भी करना है अभी। ये देखो यार बहुत बढ़िया, नाइस, दिस इज ऑल होटल। सो जी ऐसा दिखता है जी हमारा ये कमरा यज्द में। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है यार, मज़ेदार। दिस इज़ द बेड एरिया, एंड वहाँ पर छोटा सा फ्रीज़र, मिनी फ्रिज, सिटिंग यहाँ पर तैयार होने के लिए, एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वॉशरूम, नाइस। एंड ये है जी सारा, हमने आज इस्फहान घूमा और हम यज्द आ गए 350-400 किलोमीटर गाड़ी चला के। कल हम सुबह यज्द घूमेंगे, उसके बाद अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे। वहाँ जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर हमने बहुत धमाल भी मचाना है, पर अभी कल आपको यज्द घुमाएंगे। यहाँ पर जो जो है, जो मेरे गाइड साहब हैं उनकी गर्लफ्रेंड यहीं पर रहती है, सो शी इज़ गोना जॉइन अस, वो भी टूर गाइड है। जो मेरा एजेंट था जिसने मेरा ईरान का वीज़ा लगाया, वो भी यहीं पे रहता है, वो भी शायद हमें कल ज्वाइन करेगा। तो इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ पीपल एंड लॉट ऑफ फन। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी बढ़िया से ब्लॉग में। इस ब्लॉग को हम इतना ही छोटा सा रखते हैं, एंड जल्दी जल्दी इंडिया पहुंचते हैं। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आई नो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ वीडियोज बनाने में, कुछ करने में, बट जितना कर रहा हूँ वो दिल से कर रहा हूँ, आप लोगों को घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ। सोलो कर रहा हूँ, सोलो इज द टफेस्ट पार्ट, एंड प्लीज जितना शेयर हो सकता करें, लाइक करें, मैसेज करें एंड सपोर्ट करें, इतनी सपोर्ट ही बहुत है मेरे को, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट टिल नाउ। मिलते हैं कल आपको, बाय बाय।